तो आज हम बात करें कस्टम ड्यूटी के ऊपर। कस्टम ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कस्टम ड्यूटी को आज हम समझेंगे, पहले होता क्या है वो, कैसे लेवी होता है उसका, और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बनाए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। जीएसटी की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई, ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कस्टम ड्यूटी होती क्या। हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे पहले, पहले तो हटा के जीएसटी लाए, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, बट उसके बाद भी एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। जीएसटी सामान पे लगता है, सर्विस पे लगता है, लेकिन कस्टम ड्यूटी भी अभी भी लगती है। अभी कस्टम ड्यूटी होती क्या है, जीएसटी के अलावा लगती है, ध्यान रखना। जीएसटी तो लगेगा लगेगा, कस्टम ड्यूटी अलग है। तो क्या होती है कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ जीएसटी नहीं है, एक और भी है कस्टम ड्यूटी, जो कि नहीं हटाया गया था। लीव्ड ऑन लगता है किस पे? गुड्स एंड कॉमोडिटीज़ पे, यानी कि सामानों पे लगता है। इम्पोर्टेड टू इंडिया, यानी कि अगर मैं कोई बाहर से, दूसरे कंट्री से इंडिया में इम्पोर्ट करता हूँ सामान, बाहर से खरीदता हूँ, इम्पोर्ट होता है इंडिया में, या फिर कुछ सामान जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। वैसे आपको बता दूँ कि एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, ये इम्पोर्ट पे लगता है, लेकिन कुछ सामान कह रहा है कि कुछ जो एक्सपोर्ट पे भी लग सकता है, यानी कि अगर इंडिया से बाहर जा रहा है बाहर। लेकिन वैसे किस पे लगते हैं कस्टम ड्यूटी? अगर कोई मैं दूसरे कंट्री से माल खरीद रहा हूँ इंडिया में और वो सामान आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। एक टैक्स होता है, वो लगाया जाएगा, जो कि आपके सामान पर लगेगा। जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, जब भी आप सामान इम्पोर्ट करते हो तो IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन उसके अलावा ये टैक्स भी लगेगा, कस्टम ड्यूटी। कैसे लगता है ये, लीवी कैसे होती है कस्टम ड्यूटी की, सड़ा से उसको समझ लेते हैं कैसे लीवी होता है इसकी। तो देखो, हमारा ना एक कस्टम एक्ट है, 1962 कस्टम एक्ट बना हुआ हमारा, ठीक है, ठीक है। और एक हमारा ना कस्टम टैरिफ एक्ट भी बना हुआ है 1975। कस्टम एक्ट तो बेसिकली कस्टम ड्यूटी के ऊपर है, सारे रूल्स रेगुलेशन बताएगा, उसके प्रोविजंस बताएगा। वो सारे रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ये बनाते हैं। एक लेकिन कस्टम टैरिफ एक्ट भी बना रखा है, इसमें आपको रेट बताया जाएगा कि टैक्स का रेट होगा कितना। तो रेट अगर पता करना है तो कस्टम टैरिफ एक्ट देखना पड़ेगा, और बाकी रूल्स वगैरह पता करने हैं, कस्टम ड्यूटी कौन सी है, कब लगेगी, वो कस्टम एक्ट में लिखा गया है। आप देखो लगती कैसे है, सेक्शन 12 में बता रखा है कस्टम एक्ट के कि कैसे लेवी होती है कस्टम ड्यूटी, और रेट्स बता रखे हैं कस्टम टैरिफ एक्ट में, जैसे मैं आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? गुड्स पे लगती है जो सामान इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है इंडिया से या इंडिया पे। इम्पोर्ट पे लगती है, जैसे मैं बताया, अगर एक्सपोर्ट पे भी कुछ सामान होते हैं उस पे लगती है, ज़्यादातर इम्पोर्ट पे लगती है। लीवी कैसे होगी? जिस तरीके से प्रोविज़न लिखा गया है इस एक्ट में या फिर किसी भी एनी अदर लॉ में, तो लीवी उसी हिसाब से होगी जैसा प्रोविज़न है, जैसा कस्टम एक्ट में लिखा गया है उसके प्रोविज़न के हिसाब से ही लीवी होती है। रेट्स की बात करें तो जैसे मैं बताया, रेट्स जो होता है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी कस्टम ड्यूटी होती है, उसमें से एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी के जो रेट्स है वो टैरिफ एक्ट में बताया गया है, जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975, या फिर किसी भी अनदर लॉ के हिसाब से वो रेट्स डिसाइड होगा। अगर वो गुड्स गवर्नमेंट के पास भी है, इवन गुड्स आर सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, उसको भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी उसके ऊपर भी, थ्रू थो दे मे बी एक्सेम्प्टेड। गवर्नमेंट उसे एग्जम्प्ट भी कर सकती है अपने नोटिफिकेशन देके, अंडर सेक्शन 25। तो जो गुड्स है गवर्नमेंट के पास उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लग सकती है, बट वो हटा भी सकते हैं अपना नोटिफिकेशन देना उसे सेक्शन 25 में, उसके हिसाब से तो कस्टम ड्यूटी फिर नहीं लगेगी गवर्नमेंट के गुड्स पर।
कस्टम टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल है, शेड्यूल वन शेड्यूल टू। शेड्यूल वन में ये बता रखा है कि जो सामान इम्पोर्ट किया जाएगा उस पर कौन सा कितना ड्यूटी लगेगी, रेट बताया जाता है। इम्पोर्ट वाले पे अगर आपको समझना है क्या रेट लगेगा तो शेड्यूल वन में जाना है, और एक्सपोर्ट वाले पे क्या रेट लगेगा कस्टम ड्यूटी का तो आपको शेड्यूल टू पे जाना है। अब हम समझते हैं कि कस्टम ड्यूटी कितने तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, सबसे पहली है हमारी जो इम्पोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी कौन कौन से टाइप की होती है, सबसे पहली होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा है ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कस्टम ड्यूटी है जो कि लगभग हर इम्पोर्ट के सामान पर लगती है। लिखा हुआ ना कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी जो कि लीव्ड होती है ऑन ऑल इम्पोर्टेड गुड्स एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन। असेसेबल वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है सामान की, कि सामान की किस वैल्यू पे लगेगा वो सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 में बता रखा है, और कितना लगेगा वो तो भाई देखो वो टैरिफ एक्ट है, कस्टम टैरिफ एक्ट है, उसमें देख के पता चलेगा। क्योंकि कंट्री के भाई हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी के, लेकिन बेसिक रेट 10% लगभग 5 से 40% तक हो सकता है। असेसेबल वैल्यू, कौन सी वैल्यू पे लगेगा, वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले आपको देखना है सामान कितने का बना, कॉस्ट, उसके ऊपर जोड़ दो फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस होते हैं फ्रेट के चार्जेस जोड़ दो, इंश्योरेंस करा रखा तो इंश्योरेंस चार्ज जोड़ दो, तब आएगा असेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले लगी जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स, अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिससे आपकी जान बच जाती है वो वाला ड्रग्स है तो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लग पाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कुछ जिस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। रेट क्या होगा वो शेड्यूल वन में बता रखा है, जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया शेड्यूल वन में इम्पोर्ट ड्यूटी की रेट होती है टैरिफ एक्ट के अंदर। रेट भी दो तरीके के, एक होता है स्टैंडर्ड रेट जो कि भैया हर एक पे लगेगा, लेकिन एक होता है प्रेफरेंशियल रेट, यानी कि ये प्रेफरेंशियल रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कि गवर्नमेंट ने अगर कह रखा है कि अगर इस प्रेफरेंशियल एरिया से आप इम्पोर्ट करते हो तो वहाँ का रेट अलग है, और एक है कि अगर आप उसके अलावा कहीं से भी इम्पोर्ट करोगे तो स्टैंडर्ड रेट बता रखे है, ठीक है। यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट कह रखा है कि ये मेरी प्रेफर जगह है, अगर आप गवर्नमेंट कह रहे हैं कि अगर आप यहीं से खाली इम्पोर्ट करोगे तो उसका रेट थोड़े अलग है, अगर आप बाकी से इम्पोर्ट जगह से इम्पोर्ट करोगे तो अलग स्टैंडर्ड रेट है, इस तरह से रेट होते हैं इसमें, ठीक है। सेकेंड ड्यूटी पढ़ते हैं, सेकेंड ड्यूटी की बात करते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी ACD, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन है, सेक्शन 3 सबसे बन में रखा है, ये आपका इम्पोर्ट करते हुए लगती है लेकिन कुछ सर्टेन गुड्स पे लगती है, सब पे नहीं लगती। पहली वाली ड्यूटी तो सब पे लगती थी लेकिन ये कुछ सर्टेन गुड्स पे ही लग सकती है, इसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते रहते हैं, ठीक है। ये उसी रेट पे चार्ज होती है जिस रेट पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती थी सिमिलर गुड्स पे। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, पहले क्या होता था GST से पहले एक्साइज ड्यूटी भी होती थी, जो सामान हमारा इंडिया में बनेगा प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। तो जो सामान के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी, अगर आप उसी टाइप का सामान इम्पोर्ट करते हो तो वही रेट एडिशनल कस्टम ड्यूटी का हो जाएगा। ये वो कह रहा है कि जिस रेट पे लगता था एक्साइज ड्यूटी उसी सिमिलर टाइप का गुड्स अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो वही सेम रेट लग जाएगा। इसका पर्पस क्या है लाने का, भैया बेसिक कस्टम ड्यूटी का पर्पस ये था कि सामान इम्पोर्ट वाला महंगा हो जाए, कि लोग इम्पोर्ट कम करें क्योंकि टैक्स लगाएंगे इम्पोर्ट पे तो महंगा पड़ेगा। ये पर्पस क्या है कि पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लग ही रही है, एक और ड्यूटी क्यों लगाना चाह रहे थे, एक और ड्यूटी इसे लगानी है ताकि जो लोग पहले टैक्स छुपाते थे एक्साइज ड्यूटी ना छुपाए, कि जो पीपल एक्साइज ड्यूटी छुपाते थे गुड्स प्रोड्यूस होता था तो एक्साइज ड्यूटी देना नहीं चाहते थे, तो लोगों को ये समझाना कि देखो भैया जो आप टैक्स छुपाते थे ना एक्साइज ड्यूटी पे पहले, आपको वो टैक्स अब इम्पोर्ट करते हुए पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वही टाइप का गुड्स बाहर इम्पोर्ट कर रहे हो ताकि आप एक्साइज ड्यूटी जो आप नहीं छुपाओ, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो लगा नहीं सकते दोबारा से, लेकिन एक्साइज ड्यूटी के बदले में हमने एक और ड्यूटी लगा दी जिससे एक्साइज ड्यूटी आप इवेड ना करो, यानी कि आप सामान जो इंडिया में बना रहे हो वही वाला सामान जो एक्साइज ड्यूटी वाला था, तो भैया आप एक्साइज ड्यूटी छुपाओ ना, भले ही मैंने GST लगा दिया है,
एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी है, बट फिर भी एक्साइज ड्यूटी आप छुपाओ ना उस टाइप के सामान पे। तो इसलिए सारे गुड्स पे नहीं, जिस टाइप के सामान पे एक्साइज ड्यूटी लगती है सिर्फ उसी टाइप के सामान की ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखा हो ना, ये कभी ये लग सकती है चाहे वो गुड्स आप इंडिया में प्रोड्यूस कर भी नहीं रहे हो, मतलब वो सिमिलर गुड्स नहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हो इंडिया में, फिर भी लग सकती है। तो वो कह रहा है इट इज़ लिवेबल इवन इफ सिमिलर गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया। वो सिमिलर गुड्स नहीं भी प्रोड्यूस होते लेकिन फिर भी वो पहले अगर एक्साइज ड्यूटी उन पर लगती थी तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। थर्ड है एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस बेसिकली ये सब चीज़ें क्या है, एक एडिशनल चार्जेस है जो कि आपके ऊपर लगाए जाते हैं टोटल कस्टम ड्यूटी जितनी आपने पे करनी है, यानी कि ये टैक्स के ऊपर टैक्स कहते हैं, उसे बोलते हैं सेस। जितने भी आपने टोटल कस्टम ड्यूटी पे करनी है तो उसके ऊपर आपको एक एजुकेशन सेस जो कि हमारा 2% है और सेकेंडरी हायर एजुकेशन जो कि 1% है, ये दोनों आपको पे करने पड़ेंगे। क्यों पे करने पड़ेंगे? गवर्नमेंट इस पैसे को यूज़ करती है एजुकेशन प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए, कि एजुकेशन जो भी इंसेंटिव है उसको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए हमने उसके लिए एक एडिशनल चार्जेस का इंट्रोड्यूशन कर दिया जिससे वो पैसा हम एजुकेशन पे लगा सकें, ठीक है। तो ये भी आपको देना पड़ेगा जब आप सामान इंपोर्ट ये टोटल कस्टम ड्यूटी जितनी भी बनेगी आपकी, ये लास्ट में लगता है जाके, सबसे लास्ट में जितनी आपकी कस्टम ड्यूटी बनेगी लास्ट में उनके ऊपर लगता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगली ड्यूटी जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है बेसिकली जिसमें आप क्या करते हो, जानबूझ के सामान की वैल्यू कम करके बेचते हो, ठीक है। उसके ऊपर बात कर रहा है कि उसको ना करा जाए, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये भी ड्यूटी लगती है कुछ सर्टेन इम्पोर्टेड गुड्स पर ही लगती है, सब पे लगती है। ऐसे गुड्स पर लगती है जिनका प्राइस बहुत कम है नॉर्मल वैल्यू जो हमारे कंट्री ऑफ ओरिजिन में है उन सामानों की, उससे बहुत ही सस्ता सामान, जैसे चाइना से हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, इतना सस्ता है वो कि हमारे कंट्री ऑफ ओरिजिन के मुकाबले बहुत ही सस्ता है। तो हमारे कंट्री ऑफ ओरिजिन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा प्रोडक्ट सस्ता बिकने लग गया तो भैया हमारी कंट्री के जो सामान है वो बिकेगा ही नहीं, फिर हम तो वो बाहर का सामान खरीदते रहेंगे क्योंकि हमारा सस्ता पड़ेगा वो। तो वो ना हो, उसके लिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। हमारा एम क्या है, वही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है कि वहाँ पर अनफेयर कंपटीशन ना हो जाए, कि बेफालतू में एक ऐसे गुड्स के बीच में कंपटीशन हो गया जो कि बहुत सस्ता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी ख़राब हो जाएगी हमारी। किस पे लगता है? परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे लगता है। ये ऐसी वैल्यू जो हमने इम्पोर्ट करा है उस सामान के ऊपर, उसके ऊपर लगता है ये। यूजली जो बहुत लार्ज क्वान्टिटी पर इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर लगा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, तभी लगता है यूजली, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए हम बात करते हैं एक और सेफ गार्ड ड्यूटी, सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में बता रखा है। ये भी ऐसे स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स पर लगती है जो लार्ज क्वांटिटी में बिकते हैं और जिसकी वजह से सीरियस डोमेस्टिक इंडस्ट्री में नुकसान पहुंचेगा, बहुत सीरियस नुकसान पहुंचेगा। ये सिर्फ वो वाले गुड्स थे जिसका प्राइस बहुत कम है, इसमें ऐसी बात नहीं कर रखी, इसमें कोई भी ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स जो बता रखे हैं गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री में नुकसान कॉम्पिटिशन बेफालतू आ सकता है, इसमें तो साफ बता रखे कि जिसके प्राइस कम होते हैं। इसमें बहुत सारे और भी हो सकते हैं गुड्स जिसके प्राइस भले ही कम नहीं है फिर भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में नुकसान हो सकता है। इसका टोटल 10 साल का पीरियड होता है, 10 साल तक के गुड्स पे वो ड्यूटी लगेगी, उसके बाद नहीं। जैसे कि कोई कॉस्टिक सोडा है, ऐसे बहुत सारे डिटर्जेंट प्रोडक्ट होते हैं, उसकी वजह से अगर वो ज़्यादा बिकने लग गए तो हमारे कंट्री का जो सामान बिकेगा नहीं, फिर हमारे कंट्री में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर नुकसान पहुँचेगा। तो इस पर फिर गवर्नमेंट लगाती है ड्यूटी कि भाई ताकि ये महंगा हो जाए और बिके ना ज़्यादा। एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो कि इसके ऊपर पे नहीं होता, ऐसी ड्यूटी पे नहीं होगा, ध्यान रखना बात है, इस ड्यूटी पे नहीं होता ये बात, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक और बात करते हैं लास्ट में क्या है ड्यूटी होती है, उसका नाम है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेक्शन 6 और 7 बता रखा है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन ये बेसिकली इम्पोर्ट को इंकरेज करती है ये ड्यूटी, जिससे इम्पोर्ट थोड़ा सा आगे बढ़े। जी हाँ, इट इज़ अट्रैक्टिव टू इंकरेज इम्पोर्ट होगी। ये ड्यूटी कम रेट की होती है
और ये ज़्यादातर इम्पोर्ट पे लगती है, लेकिन ये थोड़ा सा इंकरेज करती है उनको। ठीक है, सेक्शन से इसमें बता रखा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन, जो कि टैरिफ एक्ट में बनी हुई है, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से लगाती है कि भाई ड्यूटी लगानी नहीं लगानी। सेक्शन 7(1) में बता रखा है कि ये इफेक्टिव होती है उस डेट तक जो कि बताई जाएगी, जो उसमें अगर उसने कहा कि ये ड्यूटी लगाई जाएगी इस डेट तक, तो भैया उस डेट तक ही वैलिड होगी जब उनको ठीक लगता है। 7(2) में बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस ड्यूटी को रिड्यूस भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है, ऑफिशियल गैजेटे में इंफॉर्मेशन देनी है उनको बस, और वहाँ पर ये बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं जैसे उनको ठीक लगता है। ठीक है, बस ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी ये होती है। और उसके बाद है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी आपको याद है जो आपकी थी दूसरी वाली एडिशन ड्यूटी को भी बोलते थे, बट यहाँ दूसरी बात कर रहा है, सेक्शन 9 की बात कर रहा है कस्टम टैरिफ एक्ट के, उसमें ये कह रखा है ये ड्यूटी लगती है सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, यानी कि अगर आप ऐसे आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हो जिसपे सब्सिडी भी मिली हुई, सब्सिडी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर ये ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ऐसी कंट्री या ऐसी टेरिटरी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब्सिडी पे करी है ऑन द मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन या एक्सपोर्टेशन उस आर्टिकल का जब हुआ, तब आपने गवर्नमेंट ने उसकी सब्सिडी पे करी थी, तो ऐसे आर्टिकल पे लगाया जाएगा ड्यूटी। और ये सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन की भी इंक्लूड होनी चाहिए, ऑन सच सब्सिडी इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, अगर उस गुड को ट्रांसपोर्ट किया उसमें सब्सिडी वो वाली भी होनी चाहिए। ठीक है, इस ड्यूटी पे एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस नहीं रखता, जैसे कि सेफ का ड्यूटी में नहीं रखता था। बात समझ में आ गई है? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने समझा कस्टम ड्यूटी का मीनिंग और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, आगे हम इसके आगे बात करेंगे कि लगती कैसे, कैलकुलेशन कैसे होता है ड्यूटी का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।